तुम्हारा ये चाल कभी कामयाब नहीं होगा। लड्डू सिंह, पहली बार तुम्हारे चेहरे से लाचारी और बेचारगी झलक रही है। ए बुढ़िया, ए चिल्ला मत। पान वाली, इस घर की बहू नहीं बनेगी। लेकिन हमको सपना जी से ही शादी करनी है। तो तुम तय कर लो, इस घर में वो लड़की आएगी या इस घर में हम रहेंगे। एक तो लड़की के लिए घर छोड़ करके जाओगे तुम। भाई आपने माँ का फैसला तो सुन ही लिया, पहले हम ही घर छोड़ के चले जाएंगे। काशी भैया, हमको कोनो बवाल नहीं चाहिए, यहाँ हम अपनी मर्जी से आए। हम कह रहे चलो यहाँ से। हम नहीं जाएंगे घर। माही भी इस परिवार का सदस्य है और परिवार का सदस्य होने के नाते मेहमान का स्वागत करो। जाओ चाय पानी लेकर आओ। माही मेहमान बैठे। सामने हमारे भाई को जलील करोगे? एक एक को गोली मार देंगे, सबको जमीन में तो बना देंगे, खत्म कर देंगे एक एक को। हमें क्या कर रहे हो, पगला गए हो का? छोड़ो, समझ नहीं आ रहा इतना समझाया तुमको, उत्पात लाने पड़े हो। अब हम उत्पात लाने पड़े हैं? उत्पात तुम लाने पड़े हो और हमको ज्ञान बांट रहे हो? मार देंगे एक एक को गोली। माही हुआ ही है जी बाबूजी, ठीक कह रहे थे आप। इश्क मोहब्बत प्यार ये सब जवानी का जोश होता है, ये सब फालतू का चीज होता है और कुछ नहीं होता। पहले जॉन पूछ रहे उसका जवाब दे, साफ साफ बता क्या हुआ। वो कई जवाब दे रहे हैं बाबूजी, साफ साफ जवाब दे रहे हैं, वही हैं। श्रीवास्तव फैमिली में ही अपना डेरा डाल करके रखा हुआ है। तही से भीड़ गाथा बना के काहे सुना रहा है बे, तही गया और चुपचाप वापस भी आ गया। हम ठीक कर रहे हैं ना? हाथी घोड़ा पाल की जय, पिंकी लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, पिंकी लाल की। चलो नीचे आओ, स्कूल नहीं जाना है क्या? माही छोड़ो हमें, माही छोड़ो हमें, माही छोड़ो हमें। ज्यादा छटपटाओ नहीं, नहीं तो गोली चल जाएगा, मर जाओगी। आइए बाबू। अरे शांत रहो, गोली मार देंगे।
विवाह संपन्न हुआ। नहीं दीदी, क्या हुआ? सपना देख रही थी क्या? हमेशा से सपने देखती रहती हो, पढ़ाई करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला। अब माही कहाँ पर है? क्यों, माही के सपने देख रही थी क्या? जितना पूछ रहे उसका जवाब दो। माही पापा के साथ उनके ऑफिस गया है और तुम दिन में दुकान बंद करके पढ़ाई करने बैठ गई, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो गया है ना और कल तुम्हारा बैलेंस पेपर का एग्जाम है, और मैं थोड़ा मेकअप कर रही थी और कुछ। हमें, हम आपको दिलो जान से चाहते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं आपसे। तो फिर खाओ इस प्यार की कसम कि तुम आज के बाद कभी भी मार पिटाई नहीं करोगे। हम आपकी कसम खा के कहते हैं, आज के बाद हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। सपना जी, तुमने हाथ नहीं उठाया। हम रमेश तिवारी। अगर तुम्हारा नाम मनमोहन तिवारी होता ना तो ज्यादा सूट करता। देखिए, हमें तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप औरतें किस बात को लेकर खुश होती हैं? कंफर्टेबल लाइफस्टाइल होना चाहिए। हेलो हेलो जानू, आई लव यू। अब तुम भी मेरी पप्पी लो ना। पप्पी नहीं दे सकते हैं। अगर तुमने चुंबन नहीं दिया ना तो तुम्हारी शैला मर जाएगी। विष्णु के पूर्ण अवतार, आज मैं अपना समस्त कालकूट विष उगल दूंगा। ना तू बचेगा ना तेरा ये समस्त संसार। दिखा अपनी शक्ति, तनिक मैं भी तो देखूं तेरी कालकूट विष में कितनी शक्ति है। कंस के चलाए पांसों में प्रथम कूटनाग निगलता है श्री कृष्ण को, और कृष्ण को पूर्ण समाप्त करने हेतु कंस कूटनाग पे करता है तीरों की वर्षा। अब कैसे पार पाते हैं इस दोहरे संकट से कान? बाबूजी का मदद करके ना एक बेटी का फर्ज भी निभाएंगे, और ये पढ़ाई लिखाई करके ना हम एक माँ का फर्ज भी निभाएंगे। हाँ मिस्टर जी, उसके लिए ना हमें आपका साथ का जरूरत होगा। तुम्हारा साथ मैं हर कदम पर दूंगा। चोट लग गई तुम्हें? दिखाओ। कुछ नहीं होगा, बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। बिटिया, आज तुम्हारा इसी प्यार के वजह से ना बिसु हम सब के बीच में है, तो फिर काहे? विष्णु जी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अब हम बह चुकी पत्नी हैं। ये लीजिए आपके एंगेजमेंट की डेट्स। पंडित जी ने 3 मुहूर्त बताए हैं, आप देखिए आपको कौन सा डेट सूट करता है। 5 जुलाई, ये तो वही दिन है। We had an appointment with Dr. Serene. I'm so sorry, ma'am, but we can't frisk anybody. Davina! Kahan gayi? Hey, Davina! Ye bas 100 ringgit bache hamare paas. Ye 12,000 ka parvat kaise hoga? Ye sab meri wajah se hua hai Akhilesh. Mujhe hi fizul ke kharche karne the na. Meri wajah se tumhari reversal nahi hui na, to apne aap ko kabhi maaf nahi kar paungi main. मैं अपने बेटे की आवाज पहचानती हूँ, और मेरा दिल कह रहा है कि मेरा विनायक जरूर यहीं कहीं आसपास है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, विनू यहीं पर है।